आनंदपुर विधानसभा आसन पर कांग्रेस दल पक्ष वरिष्ठ नेता जयदेव सेना प्रार्थीपत्र दाखल करिसेंति। क्रमगत भाव चलित थर को मिसाई आनंदपुर निर्वाचन मंडल कांग्रेस दल पक्ष लड़ुवा जयदेव दशतम प्रार्थीत्व होता जमापड़ प्रार्थीपत्र दाखल पर जयदेव और आनंदपुर कांग्रेस दल पक्ष विराट सजवाज देखा मिली। सबुठ बड़ कथा हूँ जयदेव सांगे थे निरंजन पट्टनायक और निरंजन पुओ नवज्योति पट्टनायक। जयदेव निज गाँ हाटडी ब्लक संखणा ठार बाहरी शहश समर्थकों गहन में एक विराट राली आनंदपुर उपजिला कार्यालय रिटर्निंग अफिसर निकट में निजर प्रार्थीपत्र दाखल कर मुझे प्रार्थीपत्र भारतीय जातीय कांग्रेस तरफ करुँची ये लगातार भाव में मोर दशम तरफ थर प्रार्थीपत्र दाखल करवा सुजोग मत भारतीय जातीय कांग्रेस वर्तमान प्रार्थीपत्र दाखल हम एवं आप आखिरी देखी मुझे आशा करी के अतर नौ थर जहाँ हो ना जो भाई भाव में उच्छसित लोक मैंने गाँ गंडार आसवापी मुझे भावि नी हजार हजार संख्यार माँ भी साधारण लोक चाषी मूलिया सबु श्रेणी लोक आज बड़दाण्ड बलभद्र जीव बलभद्र जीव कर आशीर्वाद नापी आनंदपुर जनसाधारण आशीर्वाद नापी कांग्रेस दल को विपुल भोट्रे विजयी करने संकल्प नहीं भ्रष्टाचार दुर्नीति माफिया राज बाली माफिया लुटारी हत्याकारी विरुद्ध लोक बदला नापी समस्त निष्पत्ति आनंदपुर स्वाभिमान मटी स्वाभिमान मनुष्य तैयारी करिवो जे आनंदपुर स्वाभिमान देश राज्य एवं विदेश तार सम्मान स्वाभिमान रखी तार माटीर पुओ यही माटीर पुओ जे पचास वर्ष ये राजनीति करछि शिक्षा अध्ययन करछि शिक्षक होइछि शिक्षा तालीम लेछि अनुष्ठान तैयारी करछि प्रति परिवार सहित संपर्क रखी सी होछि ता माटीर पुओ जयदेव जेना। जयदेव जेना को मु आशा करूछि 2004 में जो मार्जिन ने भोट जीति थी 27,000 अधिक मार्जिन ने जीति थी मु संख्या कह भी नहीं मत लगुच लोक ताठू अधिक मार्जिन ने एथर कांग्रेस को विजयी करेंगे भ्रष्टाचारी विजु जनता दल सरकार सबुठू भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी सरकार को भारत बर्षर ओडिशार विलुप्त करने कांग्रेस दल को भोट देवे सबुठ गौरव कथा मोर राजनीतिक गुरु जी मत प्रथम राजनीति के आनी श्रीजुक्त निरंजन पट्टनायक से आज निजे आसी निर्वाचन मंडली भंडारी पोखरी छाड़ी से आज आसते मत आशीर्वाद दवापाई एवं हृदय भरी आशीर्वाद देखते मुश्चित विजयी हे अर्जुन भूमिकार मुझ अवतीर्ण आनंदपुर माटी स्वाभिमान रखी सहित घसीपुरा निर्वाचन मंडल कांग्रेस प्रार्थी सुरत कुमार चक्र प्रार्थीपत्र दाखल कर प्रार्थीपत्र दाखल समय जन समागम देखि निरंजन पट्टनायक अभिभूत होइथिबा प्रकाश करिसेंति। आस्थिले जाने चार के नॉमिनेशन के बे आनंदपुर कांग्रेस जो घसीपुरा कांग्रेस पार्टी नॉमिनेशन करले अपन स्टार कैंपेन बोला से जोग दे छथि कोन कहबे कोन गय छथि आज आनंदपुर सब डिविजन जो दुई जन कांग्रेस पार्टी से तांकर नॉमिनेशन दाखल करिसेंति। मु जने सीनियर लोक हिसाब से कहतु वृद्ध हिसाब से कहतु आनंदपुरवासी हिसाब से कहतु समर्थन जनवाई कौन समर्थ समर्थन देखुं लोक जो रही कांग्रेस जो मैंने ढड़ा हमें बिना समर्थक ढड़ा हूँ कि समर्थन अच्छी से पूर्व आप घसीपुरा ठिया होते एथर आप प्रतिनिधि भाव सुब्रत चक्र को छाड़ पूर्व आप निजे प्रतिनिधित्व करते घसीपुरा एथर सुब्रत चक्र को छाड़ कौन देखुं स्थिति कौन रही है स्थिति कौन है सत कथा कह गला थर ठिया हो दुटा जगह ठिया हो गोटे जगार मत 62,000 मिलला गोटे जगार मत 52,000 मिलला आपण मो जगार थी कौन कर मत से प्रश्न उत्तर दि जो अधिका मिलला से जीव ना नहीं भोट रूप जितबार अच्छे ना तेणु ये तो आम गाँव कथा ये ढड़ा होती युवक लोक दिखाई एवं जयदेव बाबूर जो अभिज्ञता संपन्न व्यक्ति को दिखाई आम खराब कैंडिडेट देनु लोक विचार करेंगे निरंजन पट्टनायक निज राजनीति क्यारियर आरंभ करते घसीपुरा छाड़ी भंडारी पोखर कहीं मनोनीत कले निरंजन पट्टनायक बर्तमान ताकत अच्छी 142-147 सीट ठिया फिर मत राउरकेल भी निमंत्रण थे मत भुवनेश्वर भी निमंत्रण थे मत मो घसीपुरा तो साधारण कथा तेणु नुआ जुवपीढ़ी तैयारी करवा ना नहीं भविष्य में
ନୂଆ କେତେ ଦିନ ତେଣୁ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁଠୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରା ହେବ। ଆପଣ ଘସିପୁରା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଘସିପୁରାରୁ ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ସାର? ଆପଣ ସିଏ ମୋର ଭାଇ, ସିଏ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ, ସିଏ ବି ସିଏ ତା'ର ସ୍ୱାଭିମାନରେ ସିଏ କେବେ ଆଞ୍ଚ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା'ର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଉଛି ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବି। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରଣନୀତିକୁ ଆପଣେଇକି ତା ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି ଲଢ଼େଇ କରିବେ କି? ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ସେ କେବେ ନଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଦଳରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଲଗା ଦଳ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ଅଲଗା ଦଳ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ସଦାୟ ଘସିପୁରା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଘସିପୁରାର ପ୍ରତିନିଧି, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବ୍ରତ ଚକ୍ର ଆଜି ମୁଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲି। ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୀଷଣ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା। ଆଜି ଏକ ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମର ଲଢ଼େଇ, ଏ ଲଢ଼େଇ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।